नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार है और आप मुझे देख रहे हैं एग्रो करियर पे। ठीक है, तो जहाँ पर से मैं सारा अपडेट देते रहता हूँ एग्रीकल्चर से जॉब से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार सरकार और बिहार गवर्नमेंट में जितनी भी वैकेंसियाँ हैं वो अभी इस साल कोई आने की कोई चांस नहीं है। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता चला है तो जो ATM VTM की जो वैकेंसी है वो ATM VTM के अलावे और जितनी वैकेंसी हैं वो वैकेंसी अगले साल आएंगे जब इलेक्शन होगा, तो वो भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ATM VTM के जहाँ तक मुझे न्यूज आया है, हम आपको बता रहे हैं ATM VTM आपको जनवरी में आने की संभावना है। जनवरी में, ठीक है, जनवरी, ठीक है, जैसा कि हमें बताया गया है जनवरी में आएंगे वैकेंसी। लेकिन क्या इसके अलावा भी जो वैकेंसी रहा, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, इन सभी वैकेंसी का क्या अपडेट है तो बताते हैं। ठीक है, हुआ था क्या कि सभी लोगों ने जो नए कृषि मंत्री बने थे, ठीक है, श्री सरबजीत कुमार जी, उन्होंने तो इतने अच्छे से वादा किए, प्रचार किए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सारे जुमला साबित होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सर आपने भी तो बोला था, ठीक है, लेकिन देखिए हमने जो बोला वो मैं बता रहा हूँ। मैंने उस दिन भी बोला था कि देखिए ये मंत्री जी ने बोला अगर इस तरह से जिस तरह से काम हो रहे हैं तो वैकेंसी आ जाएंगे जल्द। ठीक है, जैसा कि हम बता रहे हैं कि कुछ वैकेंसी जो भेजे गए थे रोस्टर क्लियर है, लेकिन जो वैकेंसी जो आगे जाते हैं तो वहाँ पर रोस्टर क्लियर नहीं भेजे थे। ठीक है, रोस्टर क्लियर नहीं भेजे थे जिसके कारण आपको वैकेंसी में देरी हो रही है और इससे ये साबित हो रहा है कि एग्रीकल्चर पे कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे कि शेयर करिए ताकि ये डिपार्टमेंट के लोगों तक जाए, ताकि आँख खुले कि एग्रीकल्चर में क्यों बहाली नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर बहाली अगर नहीं आ रहे हैं तो इसके रीज़न क्या है आप खुल के बताइए। क्यों आप बता रहे थे कि हमने 9000 वैकेंसी देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो उससे पहले कि हम आपको कुछ रिकॉर्डिंग भी सुना देंगे, ठीक है, क्या बोलते हैं कृषि मंत्री जी, ठीक है, तो वो भी जान लीजिए। ठीक है, शायद बहुत सारे लोग जानने को बेकरार हैं कि आखिर वैकेंसी में कहाँ कौन झूठ बोल रहा है, हम झूठ बोल रहे हैं या हमारे डिपार्टमेंट के लोग बोल रहे हैं, चाहे कृषि मंत्री। ठीक है, तो आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिए, फिर उसके बाद आप बोलिएगा कि हाँ ये ऐसा तो ये तो फर्जीवाड़ा हो रहा है, घोटाला हो रहा है, ये चुनावी मुद्दे को लेके कर रहे थे। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग सुनिए, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक है, हेलो, ध्यान से सुनिएगा। हेलो जी सर, नमस्कार। हाँ बताइए सर, बोल रहे हैं सर ये एग्रीकल्चर वाले सर, वैकेंसी कब तक आएंगे सर? यार डिपार्टमेंट में आके पूछ लो ना, हम कितना जवाब देते रहेंगे, अखबार के माध्यम से तो बाबू जाते ही रहता है ना सर। हर मंथ में सर अखबार में सर आता है सर, बट वैकेंसी आ नहीं। तो आपको, आप एग्जाम देने वाले स्टूडेंट है, वैकेंसी निकालने के पहले कितने चीज पे स्टडी होती है पता है आपको? सर ये चीज तो मैं सर दिसंबर से ही देख रहा हूँ। जानकारी जान लीजिए ना, पहले वैकेंसी जनरेट होती है, उसके बाद BPSC SSC को जाता है, उसके बाद एक मीटिंग होती है वित्तीय भार का कि हमको पूरे बिहार में जो हम निकाल रहे हैं वैकेंसी उसमें हमको सैलरी में कितने खर्च होंगे जी सर, पेंशन में कितने खर्च होंगे, ये सारी चीज की अभी निष्कर्ष निकल रही है। निष्कर्ष निकलने के बाद जो है तुरंत अखबार में आ जाएगा। ठीक है, ओके सर, इस मंथ लास्ट तक आएगा या सर दिसंबर? फिर तुम गड़बड़ सड़बड़ करने लगे। ओके सर, अरे वित्तीय भार निकालना इतना आसान चीज है बेटा। ओके सर, ओके सर। अब तुम्हारे घर में तुम 5 आदमी हो और 2 रुपया हम देंगे जी सर, और इनकम नहीं होगा तो खिला लोगे? नहीं सर, नहीं सर। तो हम जो बहाली निकालने जा रहे हैं उस पे सरकार को कितने रुपए खर्च होंगे, वह रुपया कहाँ से आएगा, इसका पे चर्चा होनी है ना सर। जैसे अभी बंगाल में सर GST रोकने के लिए ममता बनर्जी ने उठा दिया है बात, उसी तरह GST रोकवा दूं मैं? उसी तरह से करिए ना सर कुछ। तो GST के बारे में कुछ हमको समझाओ, तुम क्या जानते हो GST के बारे में? सर वही जो टैक्स खाली कह दोगे कि बस GST को रोक दीजिए, ऐसे होता है क्या? नहीं नहीं सर, पहले सब चीज की समझ लीजिए। एग्रीकल्चर की पढ़ाई पढ़े हो ना? जी सर। अब तैयारी करो, तुम जितना समय बर्बाद कर रहे हो पूछने में, 18 घंटा पढ़ोगे वैकेंसी निकलेगी, नौकरी हो जाएगा। ओके सर, ओके सर, धन्यवाद सर।